अभी हम आ चुके हैं बंस रोड फूड स्ट्रीट पे। वेपल के हम गए थे एटीएम, लेकिन एटीएम में थोड़ा सा मसला आ रहा था, तो हम फिर वहाँ से नॉर्मल है ना लेना। मुंह नहीं धोकर आए हो क्या घर से? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो भाई फाइनली बहुत दिन बाद वीडियो आज अपलोड हुआ है और आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें सीन ये है कि बहुत दिन हो गए थे कोई वीडियो शूट नहीं कर रहा था, तो मैंने बाबू को कॉल करी। मैंने कहा बाबू भाई चलो यार कोई वीडियो वगैरह शूट करे, बड़े दिन हो गए कोई व्लॉग शूट नहीं करा। तो फिर बाबू को हमने कॉल की और फिर बाबू ने मुझे कहा कि भाई आओ एक जगह की, तो मैं आइसक्रीम वगैरह खिलाता हूँ और थोड़ी शुगर भी हो जाएगी, चलेंगे। मैंने कहा चलो। तो उसके बाद हमें एक काम था, वो छोटा काम ये था कि हमारा जो अकाउंट है ना बैंक का, उसमें एक छोटा सा मेरे पास टैक्स आ गया था थोड़ा टेंशन वाला। तो हमने कहा भाई वो भी चेक करते हुए चले जाएंगे। हम गए और वहाँ क्या हुआ तो चेक करें। क्या क्या तुम आए हो मेरे को क्या पता क्या? कुछ भी। सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हमारा जो मोबाइल एटीएम का उसमें मसला आया हुआ है थोड़ा सा, तो चेक करना है कि क्या मसला। चले चलो। ओके गए थे एटीएम, लेकिन एटीएम में थोड़ा सा मसला आ रहा था, तो हम फिर वहाँ से आ गए कहीं और जाएंगे अब। तो भाई उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि मैंने चेक करा लेकिन सर्वर डाउन आ रहा था, तो फिर हम लोग चले गए कहीं और। कहीं और से मुराद जहाँ हम जा रहे थे उधर। ऐसा है कि अभी हम आ चुके हैं बंस रोड फूड स्ट्रीट पे और ये बाबू भाई की गाड़ी ये जा रही है। बाबू भाई क्या कहते हो? आ जाओ आ जाओ बैठा। क्या कह रहे हो? सही है हो गया, अच्छी आ रही है। चेक करते हैं फिर, बिना वजह ही लेकर आयो वैसे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों क्या करना है हम लोग यहाँ? मीठा खा लेना। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। क्या करना है? मीठा क्या मतलब खा लेना? मुंह नहीं धोकर आयो क्या घर से? गजब बेइज्जती है यार, गर्मी लग रही है। खैर भाई अभी ये बाबू की गाड़ी के पास हम पहुंच गए, छोटी सी प्राडो मेरी फिर खरीद। अच्छा वैसे यहाँ आइसक्रीम खिलाने लाए हो इतनी दूर? खाना खा के आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आवाज़ स्लो आ रही होगी, वजह ये कि मोटर चल रही है पीछे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये दोनों अचानक जो है बैंक से डायरेक्ट पंच रोड कैसे छूट गए, तो यही वजह हमने कहा वहाँ जाकर शूट कर लेंगे। बड़ा रश हो रहा है भाई आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा, चेक कर सकते हैं आप लोग। और माशाल्लाह से सजा हुआ भी बहुत प्यारा है। ये झूला बाबू नहीं है, ये झूला झूलना है क्या? ये मटका चाय है। मटका चाय नहीं है, स्टेक है। स्टेक है, शुक्रिया यार बहुत। ओके हो गया, अभी खोले इसको। धुआँ देख रहे हो कैसा आ रहा है भाई? धुआँ देख के धुआँ अच्छी है, खोपरा लगा हुआ होना चाहिए। बहुत कोपरा तो लगाओ यार इसमें। कोपरा नहीं है हमारे पास। नहीं है? नहीं है। चलो ओके हो गया। नहीं है भाई ऐसी कहाँ क्या? आइसक्रीम खा ही रहे थे तो बाबू ने कहा कि भाई वेफल वाला है, मुझे नहीं पता क्या होता है, ना मैंने कभी खाया है। तो मैंने कहा भाई मंगा लो, चेक कर लेंगे कैसा होता। अच्छा तो अभी हमारे बाबू भाई ने ये मंगा लिया मेन्यू। क्या ये वेफल क्या चीज़ होती है? समझा नहीं सकता पर दिखा सकता हूँ। मंगवा लो फिर एक, सही है, जल्दी मंगवा लो। फाइनली आइसक्रीम हम खा चुके हैं और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। बाबू ने एक और ऑर्डर दिया है भाई से, वेफल वगैरह कुछ है, मुझे नहीं पता कैसा क्या है, कैसा होता है, अभी आएगा तो चेक करते हैं। भाई फाइनली हमारा जो वेफल है वो आ चुका है, ये रहा। और हमारे बाबू भाई सबसे पहले स्नैप ले रहे हैं, फिर इसको बिस्मिल्लाह करेंगे हम लोग और चेक करके बताएंगे कैसा है ये, है ना। आवाज़ मेरी स्लो आ रही होगी, वजह यही है कि मोटर चल रही है पीछे। तो छोड़ो इधर दिखाओ, मैं खा के देखूँगा। अरे कटेगा कैसे? तो भाई वेफल तो आ गया था लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, मज़ेदार। लेकिन वहाँ एक सीन हो गया है, मेरे बराबर में एक अंकल आगे बैठे हैं, बहुत परफेक्टली वो फ्रेम में आए। चेक करें यार, ये भाई ये मज़ेदार है, नॉर्मल है, है ना। अच्छा है, पहली बार खाया मैंने लेकिन सही है, एवरेज।
चलो खा लेते पहले। तो भाई सीन ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेफल वगैरह हम लोग खा चुके हैं, और अब मुझे लगता है ये मैंने अभी देखा है, पहली बार ही देखा हुआ है। नहीं नहीं खुला हुआ था, हम दोपहर में आते रहे ना। अच्छा हाँ ये बात है। चलो बस वहाँ तो गेट है, चले ओके हो जाए। A few moments later. तो भाई सीन ऐसा है कि अभी फिलहाल हम आए हैं ATM देख रहे हो भाई, ये बस जो चेक करने आए थे ना वो हो गया है, और फिलहाल बस घर की तरफ चलते हैं। उसके बाद सीन ऐसा है कि मैं घर आया, और घर आके मैं फ्रेश हुआ तो वहाँ पर एक प्रैंक हो गया हमारे साथ। प्रैंक ये हुआ कि हमारी लाइट चले गई, लाइट भी ऐसी गई आधी आ रही थी आधी नहीं आ रही थी, वजह ये थी कि शॉर्ट हो गया। तो फिलहाल अभी हमने कंप्लेन करी क्योंकि चेक कर सकते हैं आप बाहर की लाइट आ रही है, सब जगह की आ रही है, सिर्फ हमारे नीचे की लाइट चले गई, ऊपर की अभी भी आ रही है, तो अभी हमने कंप्लेन करी है। उसके बाद 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में कोई वो आ गए थे, फर्स्ट टाइम मैंने जो देखा कमिटमेंट के मुताबिक वो टाइम पर आए वरना नहीं आते। तो वो आए, उन्होंने चेक वगैरह किया कि भाई ये मसला है, और ये जो भी था हमारा पोल पे था थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था, तार निकल गया था। तो भाई सीन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक वाले आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि आप मेन स्विच कर दें भाई बंद, तो हम कर देते हैं बंद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हो गया ओके हो गया। सब कुछ हो गया फाइनली बड़ा देर में, लेकिन खैर वो तो गया ना। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। लाइक करना है, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।